आप जो कोविड पे बोलेंगे, इसी में जहां आपने खत्म किया इसको मैं थोड़ा सा और इसमें क्योंकि काफी टेक्निकल हो गया और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी जो है वो काफी अब काफी टेक्निकल चीजें हैंडल करते करते थोड़ा भारी हो गए होंगे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर आए तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं और एक साथ ही हम लोग सारे क्वेश्चंस जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो हाँ, मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस टेक्स्ट बॉक्स में डालना शुरू कर दें क्योंकि अब एक ही प्रेजेंटर और बाकी हैं, उसके बाद वैलिडिक्शन होगा। अच्छा, संजय जी ने बताया कि हर हॉस्पिटल का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए। तो मैं केवल ये कहूंगा डॉक्टर संजय कि एज ए फायर डिपार्टमेंट आप लोगों को ये फोर्स करना चाहिए क्योंकि ये मिटिगेशन वर्क है बेसिकली। अगर आप कहेंगे जैसे हर हॉस्पिटल को आप लोगों के पास एक बार तो आना ही होता है, साल में एक बार या 3 साल में एक बार, मुझे नहीं पता ये कब आपके पास आते हैं फायर का एनओसी मांगने के लिए, तब आप इनको कह सकते हैं ठीक है भाई आप डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके लाइए पहले। तो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान जो आपने बताया कि होना जरूरी है, तो उसका फायदा क्या होगा? जैसा कि आपने बताया, मुझे उसमें सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि जब एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान ये बनवाएंगे वो ऑब्वियसली किसी क्वालिफाइड आदमी से बनवाएंगे। तो जो आपने कहा कि सारा रिस्क वो असेस करे हॉस्पिटल का, इसका मतलब ये हुआ कि हर हॉस्पिटल का अलग अलग रिस्क होगा, तो वो अलग रिस्क के लिए, अलग बीमारी के लिए अलग दवाई भी होगी। तो जो क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर होगा वो उनका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, तो सारी चीजें जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। और आपने बताया कई टीमें बनती हैं, तो सारी टीम अलग अलग बनेगी, फिर उन टीमों का आपने कहा कि नहीं, हर टीम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। हम लोग समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है जब इमरजेंसी हो रहा होगा उस समय तो मीटिंग कोई लेगा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गए कि चलो भाई तुम आग बुझाओ, तुम पानी लाओ, तुम, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ गए कि सब लोग पहले से ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया जाएगा हर टीम का और मेंबर का कि देखो उस समय आपको ये करना है। आपको उस समय कोई नहीं कहेगा, कुछ लोग फायर फाइटिंग में होंगे, कुछ लोग सर्च एंड रेस्क्यू में होंगे, कुछ लोग कम्युनिकेशन में होंगे। तो एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान जो बनता है तो उसमें कई टीम और टास्क फोर्स बना दिया जाता हर हॉस्पिटल में, फिर हर हॉस्पिटल का फ्लोर वाइज एक इवैक्यूएशन मैप बनता है जो उसी डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट होता है। राजेंद्र साहब भी ने इसको इन्फेसिस किया था, मैं केवल उस मैप पे थोड़ा सा को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि वो मैप कैसा होना चाहिए। मैंने देखा है कई हॉस्पिटलों में मैप कागज पे बना करके और ऐसे ही लगा देते हैं। अब बताइए वो मैप किस लिए लगाते हैं, उसका यूज समझते हैं। वो मैप इसलिए लगाते हैं इन केस ऑफ फायर धुआं जब भर जाएगा तो आपको इवैक्यूएशन रूट दिखेगा तो कागज वाला दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं, इसलिए वो सेल्फ ग्लो मैप होना चाहिए। जो मैप इवैक्यूएशन मैप जो बनना चाहिए वो सेल्फ ग्लो होना चाहिए कि वो चमके अंधेरे में, धुआं में भी अलग से चमके। और वो अगर अच्छे क्वालिटी का आप बनवाएंगे तो इवन लाइट चली जाएगी तो रात में भी वो दिखेगा कि किधर से रूट है। उसका इम्पोर्टेंस तभी समझ में आएगा जो जब कोई इमरजेंसी हो रही होगी तब उसका वैल्यू समझ में आएगा। बाकी राजेंद्र साहब ने एक चीज और बताया था कि जो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बने उसकी एक कॉपी डीडीएमए में जमा होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक जो होता है उसका लॉजिक ये होता है कि अगर आपके हॉस्पिटल में कुछ हो गया, टचूट ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, मान लीजिए कि कुछ हो गया, आग लग गया या भूकंप आ गया, आपका बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, तो जो आपकी कॉपी है वो तो रबर में दब जाएगी या जल जाएगा या फ्लड में बह जाएगा। उस कॉपी से जो आपके इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्डर्स हैं, वो आपको इफिशियंटली और इफेक्टिवली हेल्प कर पाएंगे
वो उसका लॉजिक है जो राजेंद्र साहब कह रहे थे कि भाई क्यों वहां पे वो डीडीएमए में जमा करना है, और डीडीएमए वालों को भी वो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान हर जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज है उनसे शेयर करना चाहिए। अच्छा, जितने भी प्रेजेंटर्स बोले उनके बात से ऐसा ना समझे ऑडियंस कि केवल फायर सेफ्टी ही हॉस्पिटल सेफ्टी होता है, केवल आग से बचना को हॉस्पिटल सेफ्टी नहीं कहते हैं। या आपने सीसीटीवी लगा लिया, लोहे का गेट लगा लिया, चार सिक्योरिटी गार्ड मुस्तैद कर दिया, तो इससे हॉस्पिटल सेफ नहीं होगा। 360 डिग्री सेफ्टी के लिए आपके हॉस्पिटल का एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर के द्वारा डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए, उस प्लान को डीडीएमए में जमा करवाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया राजेंद्र साहब ने कि कम से कम आपको 4 ड्रिल कराना, ऐसा डिसास्टर मैनेजमेंट में आप कमिट करते हैं प्लान में। जब आपने प्लान में कमिट किया और कमिट करके अपने डीसी को जो डीडीएमए का चेयरमैन होता है उसको आपने सबमिट किया, तो कल अगर आप फेल हुए अपने ड्यूटी में तो आपको स्यू कर सकता है, आपको नोटिस दे, इवन आपके हॉस्पिटल का वो जो भी लाइसेंसिंग वगैरह होता है उसपे भी उसको भी वो कैंसिल कर सकता है डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, अभी कह रहे थे अरुण गुप्ता साहब और अतुल गर्ग साहब कि हम लोगों को लॉ और प्रैक्टिकल के बीच में एक बहुत ही बढ़िया वर्केबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वर्केबल सॉल्यूशन ये है कि ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है कि सारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता, फायर से सेफ, फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स होते, बिल्डिंग कोड सारे पालन किए गए होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैक्ट यही है, उन्होंने बताया कि 1200 नर्सिंग होम है जिसमें 100 के पास ये नोसी, तो हो भी नहीं सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान तो कल ही बनवा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं बनवाते भाई? सबसे पहले डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान ही बनवाइए, उसको मिटिगेशन वर्क होगा, आपके स्टाफ हैं उनको पता लगेगा कि कितने रिस्क में रह रहे हैं, और आप टीम बना लेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जो कर सकते हैं वो हमें कम से कम इमीडिएट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा दो तीन पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा सारे स्पीकर्स का। उन्होंने बताया कि राजेंद्र साहब ने कि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वो जोन 4 में है, और श्रीवास्तव साहब ने कहा कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होते जाएगा रिस्क बढ़ता जाएगा। मतलब ये हुआ कि कल जो है, आज अगर दिल्ली 30% जोन 5 में है तो कल 60% हो जाएगा, और कुछ सालों के बाद 100% जोन 5 में आ जाएगा, रिस्क बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी भी बढ़ाती जानी चाहिए। कभी ऐसा था कि हम बिना डीएल के भी गाड़ी चलाते थे, तो क्या सब दिन बिना डीएल की गाड़ी चलाएंगे क्या? पहले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते थे, ज्ञान नहीं था, अब तो ज्ञान हो गया ना। ऑडियंस को भी चाहिए, जो पेशेंट्स हैं उनको भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो कई चीज पूछते हैं ना कि भाई आपके पास फला डॉक्टर है, आपके पास फला फैसिलिटी है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सेफ्टी मेजर्स हैं क्या नहीं है। क्यों नहीं पूछते, पूछिए, सिंपल पूछिए, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान है क्या? नहीं है तो जरूरी नहीं उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं हम, या अपना डियर नियर डियर का उसमें भर्ती करवाएं। हम लोग ऐसे करके भी हॉस्पिटल को पुश कर सकते हैं। चाहे जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज है, केवल फायर वाले नहीं और भी हैं, जल वाले हैं, इन्वायरमेंट वाले हैं, म्यूनिसिपलिटी वाले हैं, उनसे भी हॉस्पिटल को, मुझे पता है कि कोई 40 तरह के क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं हॉस्पिटल को, तो वो सब भी पूछ सकते हैं। जो 9 आइडेंटिफाइड ESF हैं उनके पास जाएं कोई भी क्लियरेंस के लिए, बोले भाई पहले डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवा के लाओ। तो हम लोग गवर्नमेंट ऊपर से पुश कर रही है, हम भी नीचे से कहें, और कुछ गलत तो हम लोग कह नहीं रहे हैं, एक मिटिगेशन वर्क के लिए हम लोग पुश कर रहे हैं। सेफ्टी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब सेफ रहें। अभी ये 9वां महीना ही चल रहा है, केवल इंडिया में कोई 250 अर्थक्वेक आ चुका है, जिसको आपने फील किया है चाहे नहीं किया है। 27 तो केवल दिल्ली में आ चुका है, 27। तो आप सोचे कि किस तरह के रिस्क में हम लोग हैं, और हॉस्पिटल की तभी जरूरत है हम लोगों को जब
रिस्क ज्यादा है, मतलब हम बीमार हो जाएं, अर्थक्वेक आ करके बहुत जब हम हर्ट हो जाएं, कल बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग चोट लग जाए, बर्न हो जाए, और पता चला तभी हॉस्पिटल भी चल, भाई भूकंप आया, कुछ लोग एक 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी को चोट लग गया, तो और पता चला साथ में हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग गिर गई। वैसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो उल्टा तब और स्ट्रांगली खड़ा होना है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो पॉलिसी लाइन पे मेरे हिसाब से क्लियर है, केवल पॉलिसी में मैंने राजेंद्र साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि जो गाइडलाइन वो बता रहे थे उस गाइडलाइन को, एनडीए में है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है भारत में, अपेक्स बॉडी है एनडीए में, उसको इम्प्लीमेंट